रिकॉर्ड कर लूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओथेलो ट्रेजिडी है, शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज है, उसमें उसको किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। सेकंड का मतलब क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें उसको सेकंड नंबर पे रखा गया है। इट पब्लिश्ड इन 1604। ओथेलो से पहले जो ट्रेजिडी आई है वो हैमलेट रही। हैमलेट कब पब्लिश हुआ है? 1602 में पब्लिश हुआ। हैमलेट पब्लिश्ड इन 1602, ओथेलो पब्लिश्ड इन 1604। 1603 में कोई ट्रेजिडी नहीं आई है। यू डोंट फाइंड एनी ट्रेजिडी इन 1603। 1603 में हम कोई ट्रेजिडी नहीं पाते हैं। उसके बाद किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव गॉन विद हैमलेट एंड मैकबेथ, जिसका वीडियो अवेलेबल है और आप देखेंगे। उसके पहले भी मैंने कई लेक्चर इन फोर ग्रेट ट्रेजिडीज पर डिलीवर किया था, उसका लिंक भी मैंने आपसे शेयर किया। मैंने बार बार कहा कि अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, इधर यू हैव टू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल और यू हैव टू गो वेयर द टीच मीट ऐप, वेयर देर इज द ऑप्शन इस मीन्स स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहां पे उस लिंक को मैंने शेयर किया है। खासकर जो कल का लेक्चर वो मैं अभी वहां पे नहीं कर पाया, बट दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। बट इन नियर फ्यूचर मीन्स टूडे आई विल जस्ट शेयर द लिंक ऑफ हैमलेट एंड मैकबेथ, ये दो चीजें। अब आप जब हैमलेट को मैकबेथ को लेते हैं तो एक पार्टिकुलर चीज आपको नजर आता है कि जो हैमलेट है, हैमलेट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज अबाउट 45 ईयर्स, जो कि 45 ईयर्स का है। सॉरी मैकबेथ, मैकबेथ इज द स्टोरी विच इज अ कैरेक्टर, अ मैन हु इज अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जो आप हैमलेट की बात करते हैं तो 22 ईयर्स के, जो 22 ईयर्स का ह्यूमन नेचर होता है, वहां पे आप देखिए कितना बखूबी उन्होंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है। एंड द से ऑन द मीन्स अदर हैंड यू विल कम टू नो, जब आप बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जब आप बात करते हैं मैकबेथ की, तो मैकबेथ में एक एम्बिशन है और वह जो नेचर होता है कि मोस्ट प्रोबेबली वी अल्टीमेटली डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर आर आइडेंटिटी। जो ये उम्र होती है उस उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ वी आर इन सोसाइटी, इफ वी आर अपॉइंटेड एनीवेयर, वी अल्टीमेटली डू एनीथिंग फॉर व्हाट, वी अल्टीमेटली डू एनीथिंग फॉर आर आइडेंटिटी। वो हम आइडेंटिटी के पर्पस से करते हैं या उन सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो वे केवल कैरेक्टर नहीं है, वे केवल कैरेक्टर नहीं है, बट अल्टीमेटली दे आर व्हाट, दे आर द वॉइस ऑफ, आप कह सकते हैं कि पूरे मानव समाज की आवाज। क्योंकि जब आप मानव समाज की बात करते हैं तो वी फाइंड मैकबेथ, वी फाइंड हैमलेट इन अ सोसाइटी, इन अ फैमिली एंड द पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वेयर वी हैव बीन वर्किंग, वहां पे आप ये सारी की सारी नेचर देखे जा सकते हैं। सो रीडिंग ऑफ दीज कैरेक्टर, स्टडिंग ऑफ दीज कैरेक्टर, यू विल कम टू नो अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन बीइंग, दे बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, दो दे बिलोंग टू अरिस्टोक्रेटिक क्लास, दे आर किंग्स, दे आर क्वींस, दे आर प्रिंसेस, दे आर मीन्स फ्रॉम सच क्लास दे कम, दे बिलोंग, लेकिन उनका जो नेचर है कि दे क्राई, दे स्माइल, दे हैव टीयर, दे हैव जॉय, एंड यू विल कम टू नो दे आल्सो दे हैव फियर, दे आल्सो नो कि दैट वन डे दे विल डाई। तो सच अ टाइप ऑफ फियर, सच अ टाइप ऑफ थिंग, सच अ टाइप ऑफ नेचर वी आल्सो फाइंड जो हमारे अपने बीच में, जो हमारे अपने साथ रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब भी ये चीज पाते हैं कि हमें भी मौत से डर लगता है, हमें हमें भी आंसू निकलता है, हमें भी जॉय, प्लेजर, डार्क साइड ऑफ लाइफ, लाइट साइड ऑफ लाइफ, वी ऑल इंजॉय। तो मैंने बार बार बताया कि हमें प्ले को इसलिए नहीं पढ़ना बिकॉज वी हैव टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, वी हैव टू इंजॉय एंड वी हैव टू टेक द आइडिया दैट द पार्टिकुलर प्ले इज द पार्ट ऑफ आर लाइफ, आर लाइफ इज यू कैन से रिफ्लेक्टेड, या आर लाइफ हैज बीन पेंटेड, या आर लाइफ हैज बीन प्रेजेंटेड इन एन अदर वे, इन एन अदर, जो हमारा जीवन है वहां पे उसको प्रेजेंट किया गया। सो इन दिस वे वी कम टू नो एट ऑल की ये चीजें रहे। नाउ अगर हम ओथेलो की बात करना शुरू करें तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यह जो प्ले है, इस प्ले का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वह क्या होगा? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी आप ये समझिएगा कि अगर जूलियस सीजर में ये कहा जाता है कि ब्रूटस, कैसियस या और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको कॉन्स्पिरेटर कहा जाता है,
तो उधर वो सारे लोग मिल करके, और इयागो को अगर आप एक तरफ रखेंगे तो इयागो उन पर भारी पड़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्ले का, वह क्या है? कॉन्स्पिरेसी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले का क्या है? वह है जेलस नेचर, जेलसी, JELOUSY। हम सब लोगों में ये नेचर होता है, और ये जेलस जो नेचर होता है, जेलसी होती है, यह इंडिकेट करता है कि वह इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए जितने भी संत और महात्मा है, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो एक नसीहत देते। वो कौन सी नसीहत देते? कि आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और सब्र करिए। दो बहुत पार्टिकुलर बातें होती है कि सब्र करिए, गुस्से पर काबू रखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका हीरो है, जो ओथेलो है, वह ओथेलो गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, और कहीं ना कहीं यागो के प्लान में या उसके अपनी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनता है और अपनी वाइफ डेस्टिमोना का कत्ल कर देता। तो गुस्से पर काबू रखना, यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें बताई जाती है, जो शायद इस प्ले की एक ब्यूटी है, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है, जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और हमें इससे नसीहत लेना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल आर एंगर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कॉन्स्पिरेटर से सावधान होना चाहिए, और जो कॉन्स्पिरेसी है वह कॉन्स्पिरेसी कई पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, वह प्रॉब्लम कौन सी है? वह प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेशियल फीलिंग, नस्ल भेद। प्रॉब्लम कई लेवल पर हो सकती है, प्रॉब्लम कास्ट लेवल पर हो सकती है, प्रॉब्लम कम्युनिटी लेवल पर हो सकती है, प्रॉब्लम कलर लेवल पर हो सकती है, प्रॉब्लम जो है गोत्र लेवल पर भी हो सकती है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वह फैमिली में अपने साथ रहने वाले। इवन यू विल कम टू नो, इवन इन द फैमिली यू फाइंड दैट कि बहुत स्पष्ट कहना पड़ेगा कि देवरानी का जेठानी से नहीं पट रहा, उनका उनके से नहीं पट रहा है, वो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। तो जो कॉन्स्पिरेसी है, या आप कह सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आप कई पॉइंट ऑफ व्यू से पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी का एक 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 बड़ा पॉइंट है वह क्या है? वह रेशियल इशू है, RACIAL। और इस रेशियल इशू के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि जो ओथेलो है वह एक मूर है, ओथेलो इज अ मूर। ओथेलो आप कह सकते हैं कि प्रोटेगोनिस्ट, ओथेले आप कह सकते हैं कि हीरो, ओथेलो को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से लीडिंग कैरेक्टर। तमाम बातें ओथेलो के लिए कही जा सकती है, लेकिन ओथेलो की आइडेंटिटी यह है कि ओथेलो इज अ मूर। शेक्सपियर ओथेलो को जब एड्रेस करते हैं तो वर्ड यूज किया जाता है MOOR, मूर। तो जो मूर है वह क्या? ही इज अ ब्लैक पीपल, वह एक ब्लैक पीपल है, या ही इज अ ब्लैक मैन। और वह जो ब्लैक मैन है वह क्या है? उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह रेशियल इशू का शिकार बनता है, ही इज अ विक्टिम ऑफ रेशियल इशू और रेशियल प्रॉब्लम। और वह जो मूर है वह बहुत बड़े पोस्ट पर है, और उसकी जो वाइफ है, या आप कह सकते हैं जो बिलव्ड है, उससे उसकी जो शादी होती है एक फेयर गर्ल डेस्टिमोना से। तो डेस्टिमोना इज अ फेयर गर्ल, और साथ ही साथ वह क्या है? क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के साथ साथ वह जो है दूसरे जो है आप कह सकते हैं कि नस्ल से बिलोंग करती है, और ये पार्टिकुलर चीज लोगों को हजम नहीं होता कि एक दूसरी नस्ल का आदमी एक जो है दूसरी नस्ल की लड़की से मैरिज करे, खासकर कि वह फेयर कलर और वह जो है कहाँ पर है? ब्लैक। सो एक प्रॉब्लम ही होती है, एंड इन दिस सोसाइटी वी फाइंड व्हाट? वी फाइंड सच अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, एंड सो मेनी प्रॉब्लम वी फाइंड इवन इन आवर सोसाइटी। तो शेक्सपियर ने जो ये प्रॉब्लम उठाया, उन्होंने 16th सेंचुरी में उठाया, लेकिन जो है आप ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आज भी रेलिवेंट। उन्होंने रेशियल इशू को लेकर के दिखाया, और ये प्रॉब्लम इन आर नेशन वी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, वी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम स्पेशली मिडिल क्लास में हम ये देखने को मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि जो पूरा का पूरा प्ले है, इस पूरे के पूरे प्ले में एक पार्टिकुलर चीज है कि लव अफेयर दिखाया गया है, लेकिन यह जो लव अफेयर है, यह लव अफेयर किसके बीच में है? बिटवीन अ फेयर गर्ल एंड अ ब्लैक मैन। वह जो ब्लैक मैन है वह मूर है, वह रेशियल इशू को प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो उसको लाइक नहीं करते,
उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है आपके किया को। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा थीम को लेकर के, मैंने बात किया कि थीम में क्या है, जेलस नेचर या जेलसी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या की आग में जलते जलते वो क्या करता है कि याको जो है ओथेलो को प्रोवोक करता है, याको प्रोवोक्स ओथेलो, बिकॉज याको डज नॉट लाइक हु, याको डज नॉट लाइक, याको लाइक नहीं करता, किसको लाइक नहीं करता, ओथेलो को, और वह ओथेलो से बदला लेना चाहता है। तो बदला लेने की आग में वह तमाम योजनाएं बनाता है, लेकिन एक में सफल होता है। वह जो योजना बनाता है वह सबसे पहले कौन सी योजना बनाता है, वह उसको उसकी बीबी के खिलाफ कर देता है, और वह और ओथेलो गुस्से में आकर के अपनी बीबी का कत्ल कर देता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर कि पूरा का पूरा जो जो प्ले है यह वेनिस नाम की जगह पर, VENIC वेनिस, ऑलरेडी वी हैव गॉन विद द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसके पहले बात किया था कि जो आपका हैमलेट है उसका जो सेटिंग है वह डेनमार्क है, मैकबेथ का सेटिंग आपका या इस सॉरी हैमलेट का सेटिंग डेनमार्क और मैकबेथ का सेटिंग स्कॉटलैंड। और आप ये देखते हैं कि ये जो प्ले है इसका सेटिंग कहाँ पे दिखाया गया है, वेनिस दिखाया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो किंग लियर है उसका जो सेटिंग है इंग्लैंड, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन, वहां को लेकर के बात की जाती है वहां पे। तो एक सेटिंग होता है जो हमें माइंड में रखना कि किस प्ले की सेटिंग कहाँ पर है। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना चाहिए किसी प्ले की स्टडी करते समय, उसका अपना जो है थीम क्या है। थीम आपको मैंने क्या बताया, थीम आपको मैंने बताया कि जेलस नेचर, एक तो रेसियल इशू और कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी यह एक पार्टिकुलर चीज है। तीसरा सबसे बड़ा चीज कि जब आप किसी भी प्ले को लीजिए तो अगर उस प्ले के कैरेक्टर्स आपके माइंड में आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल एबल टू अल्टीमेटली नो कि उसकी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया जाए। जैसे मैंने आपसे बताया कि जो ओथेलो है यह एक नोबल मूड है, और कहाँ पर है, इन द सर्विस ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का जो साम्राज्य है उस वेनिस के साम्राज्य में वह एक बड़े ओहदे पर, वह जो ओहदे पर आप कह सकते हैं कि सेनापति है, और उसके अंडर में कौन काम करते हैं, इयागो और लोग काम कर रहे हैं, और वह क्या करता है, ही फॉल्स इन लव विद हु, ही फॉल्स इन लव विद डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को लव कर, डेस्टिमोना इज आल्सो इन लव विद हु, डेस्टिमोना इज आल्सो इन लव विद दैट मैन। लेकिन ये चीज जो है और लोगों को हजम नहीं होती, कि क्यों, क्यों, क्योंकि रेसियल इशू को लेकर के बात होती है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट आपको किसको लेके बात करनी है, जो हीरोइन डेस्टिमोना है, डेस्टिमोना कौन है, डेस्टिमोना वाइफ ऑफ ओथेलो एंड डॉटर ऑफ ब्रावेंसियो। डेस्टिमोना जो है ओथेलो की वाइफ है और ब्रावेंसियो की डॉटर है। ब्रावेंसियो एक कैरेक्टर है, उसको लेकर के अभी बात कर, लेकिन हमेशा जो है क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें ब्लड रिलेशन को नहीं भूलना है कि वह वाइफ किसकी है, ओथेलो की है, और किसकी डॉटर है, ब्रावेंसियो की डॉटर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें और ध्यान में रखना है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि एक और कैरेक्टर जिनका नाम इयागो, इयागो जो है वो क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट विलेन है इयागो, द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज। एक और कैरेक्टर है, और इयागो जो है हस्बैंड है किसके, एमिलिया के, एमिलिया के, पर है जिसके पहले मैंने इमाइली वर्ड यूज किया था बार बार, लेकिन दैट नॉट इमाइली, एमिलिया, इमाइली जो है आपका रूसो का जो है क्रिएशन रहा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इयागो है वह ग्रेटेस्ट विलेन है, एंड सच अ विलेन यू डोंट फाइंड इन एनी अदर प्ले ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिडी या और कहीं पर, और साथ ही साथ वह किसके हस्बैंड है, वह जो है एमिलिया के हस्बैंड है, AMELI, इट मीन्स दैट एमिलिया इज वाइफ ऑफ हु, एमिलिया इज वाइफ ऑफ या। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि एक कैरेक्टर है कैसियो, CASSIO, और जो कैसियो है, एक कैसियो क्या है, ओथेलोज लेफ्टिनेंट, कैसियो जो है ओथेलो के लेफ्टिनेंट। मैंने बताया कि ओथेलो एक बड़े पोस्ट पर है, उनके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं उनमें से एक आदमी कौन है, एक आदमी आपके कैसियो है और दूसरा कौन है, इयागो। लेकिन आप देखेंगे कि कैसियो का झुकाव किसके प्रति रहता है, कैसियो का झुकाव हमेशा और हमेशा यू विल कम टू नो वो आपका ओथेलो के प्रति रहता है, और ओथेलो का कैसियो के प्रति रहता है।
ये चीज हम पाते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार। तो एक पॉइंट ये देखिए, एक और कैरेक्टर है जिसका नाम बियांका, BIANCA। बियांका जो है वो क्या है, बियांका एक आप कह सकते हैं कि मिस्ट्रेस है। किसकी मिस्ट्रेस है, कैजियो की। बियांका BIANCA, बियांका इज द मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक जो है कैरेक्टर है रॉड्रिगो, RODERIGO, या काफी अनुभवी जेंटिलमैन, अवेटीरियन जेंटिलमैन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्राबैंसियो है, जो ब्राबैंसियो है वो फादर है। किसके फादर है, फादर ऑफ डेस्टिमोना। एक और कैरेक्टर है वह क्या है, मैंटानो। मैंटानो जो है साइप्रस के सबसे रिमार्केबल आदमी, मैंटानो साइप्रस के सबसे रिमार्केबल आदमी। एक बार मैं फिर से कैरेक्टर को आपको बताना चाहता हूँ। हीरो आपके कौन है, ओथेलो है। वो क्या है, मूर है, एक बड़े पद पर है। कहाँ पर, वेनिस। प्ले की सेटिंग कहाँ है, वेनिस में है। प्ले का थीम क्या है, जेलस नेचर है, रेसियल इशू है और कॉन्स्पिरेसी। ये पॉइंट आप लेकर के बात कर सकते हैं। जो ओथेलो है, ओथेलो इज इन लव विद हुम, ओथेलो इज इन लव विद डेस्टिमोना। डेस्टिमोना इज अ फेयर गर्ल एंड शी इज द डॉटर ऑफ ब्राबैंसियो। जो वो है वो किसकी डॉटर है, ब्राबैंसियो की डॉटर। अब अगर आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर जो इयागो बताया गया, इयागो आपका क्या है, विलेन। ये आप नहीं भूलेंगे, ना तो आप डेस्टिमोना को बोलेंगे, ना आप ओथेलो को बोलेंगे, ना आप इयागो को बोलेंगे, और ना ही इयागो की वाइफ एमिलिया को आप भूलेंगे। लेकिन कुछ कैरेक्टर को मैं दोबारा, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, जो आप कह सकते हैं माइनर कैरेक्टर है लेकिन उनका नाम जो है आना जरूरी है। उनमें से एक कैरेक्टर कैसियो, कैसियो CASSIO। कैसियो जो है या किसके अंडर में काम कर रहे हैं, कैसियो इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन या अंडर द गाइडेंस ऑफ ओथेलो। और ओथेलो के अंडर में ही इयागो भी है, लेकिन इयागो का और ओथेलो में पटरी नहीं खाती। और ओथेलो, इयागो कभी भी खुल करके नहीं आता है कि वह जो है किसका शत्रु है, वह उनका शत्रु कभी खुल करके नहीं जाता या उसके पास। बियांका जो है कैसियो की क्या है, मिस्ट्रेस है। बियांका इज द मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो। उसके बाद मैंने आपको बताया रॉड्रिगो एक वेटरन जेंटिलमैन है, काफी अनुभवी जेंटिलमैन है रॉड्रिगो, RODERIGO। एंड दीस थिंग्स यू विल गेट इन माय बुक पेज नंबर 70 पर, 7070 पर एक बात बताई जा रही है। उसके बाद आपके कौन है, ब्राबेंसियो फादर ऑफ डेस्टिमोना। मैंटानो, मैंटानो आपके क्या है, मैंटानो आपके मोस्ट रिमार्केबल मैन ऑफ साइप्रस। तो मैंटानो साइप्रस के बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है। ब्राबैंसियो फादर है, किसके फादर है, डेस्टिमोना के। रॉड्रिगो कौन है, एक वेनिस्ट्रेन जेंटिलमैन। तो दीज पॉइंट्स यू फाइंड रिगार्डिंग कैरेक्टर। एक और चीज, जब आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे माइंड का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। और जो जितना ज्यादा माइंड का गेम खेल जाए वह उतना ही सक्सेसफुल रहा। और इसमें सबसे आगे अगर कोई बाजी मार पाता है तो वह यागो, क्योंकि यागो ने स्वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। दुश्मन को पराजित करने के लिए, या जिसको अपना दुश्मन मानता था उसको पराजित करने के लिए, उसने हमेशा एक गेम खेला। दैट वाज द साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली उसको परेशान। मुझे मैंने देखी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजीगर जो मूवी थी, उस बाजीगर में शाहरुख खान भी कुछ ऐसा ही रोल किए हुए थे कि वहां पर भी। तो आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, एज द पीपल टेल कि हाँ वहां पर भी इस तरह की खुल करके नहीं आते, लेकिन एकदम बिल्कुल उनका भी कुछ ऐसा ही रोल। एंड इवन इन सो मेनी प्लेस यू विल कम टू, जो थ्रिलर मूवी होती है, जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें थोड़ा सा होता है, उसका जब प्रेजेंटेशन होता है तो यू कांट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो कुछ उस तरह से इयागो का अपना रोल रहा। तो इतनी सारी चीज, सिचुएशन जो मैंने आपको बताया है, वह किस चीज को लेकर के बताया है, वह मैंने आपको ये बताया कि इस प्ले को आप इस नजरिए से देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि ओथेले को आप ये कह सकते हैं कि जैसे हैमलेट में डोमेस्टिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स को लेकर के बात किया गया था, ऐसे ही ओथेलो में कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जाती है कि परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जो ब्राबैंसियो है, ब्राबैंसियो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी डेस्टिमोना ओथेलो से मैरिज करे,
और वह जो उसके क्यों नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता कि उसका नस्ल अलग है, उसका नस्ल अलग, वह मूर है, वह ब्लैक है और इनका अपना कलर अलग है। तो खुद वह अपनी बेटी के खिलाफ हो जाता है। जब वह बेटी के खिलाफ हो जाता है, इसका फायदा कौन उठाता है? इयागो। क्योंकि इयागो तो ऑलरेडी किसके खिलाफ, इयागो ऑलरेडी ओथेलो के खिलाफ है, और ओथेलो के खिलाफ जितने लोग भी जाएंगे वह उनका यूज करेगा, वह उनका यूज करेगा। तो यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे कि जो बेटी है वह फादर के खिलाफ जाती है, या फादर का जो डिसीजन होता है वह उसको नहीं मानती है। और यह भी शायद इंडिकेट करता है कि उस समय जो बड़े घराने थे, उस बड़े घराने में बेटियों को जो है अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से उनको अपना वर चुनने का अधिकार था। मैंने वर्ड बड़ा घराना यूज किया, मिडिल क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास में नहीं, जो उस तरह के घराने। और इसका फायदा, जब बेटी बाप में पटरी नहीं खाती, तो इसको फायदा कौन उठाता है? आपका इयागो उठाता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि एक किसी भी समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, औरत का चरित्र। अगर औरत के चरित्र को लेकर के पति के दिमाग में या पुरुष के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आया, तो वो जो है क्या होता है कि वह जो है एक रिवेंज में तब्दील हो जाता है, वह एक रिवेंज में, मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो। तो कैरेक्टर रिलेटेड टू वुमेन, यह एक पॉइंट आप देखेंगे, और इसी इसी चीज को वह उठा पाता है। कौन उठाता है? इयागो। इयागो जो है डेस्टिमोना के खिलाफ ओथेलो के इसलिए खड़ा कर पाता है कि वह उसके दिमाग में एक जहर भरता है, या एक जो आप कह सकते हैं कि कीड़ा डाल देता है, कि जो डेस्टिमोना है उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और डेस्टिमोना का रिलेशन किससे है, कैसियो से। डेस्टिमोना का रिलेशन किसके साथ दिखा देता है? कैसियो। वो हैंकर चीफ, अगर आपको याद होगा, उस सीन का यूज करके, अब कैसे करता है, मैंने बार बार बताया कि ये कैसे करता है, इस पार्टिकुलर चीज को समझने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं आपको बताऊंगा उससे बेहतर मूवी में पूरा करके बताया जाएगा। मैं आपको सिग्नल दे सकता हूँ कि कैसे होता, क्यों मारता है, क्या चीजें हैं, जो अगर आप मूवी देखेंगे इस डिस्कशन के बाद, तो आपको तुरंत वो सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे ये बात बताई गई कि ये चीज आई हुई है। इयागो कैसे सक्सेसफुल होता अपने प्लान में, इयागो कैसे जो है एक इतने बड़े बहादुर आदमी को कैसे तोड़ पाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आपका ओथेलो है वह इतना ब्रेव सोल्जर है कि उसको स्वॉर्ड से नहीं जीता जा सकता। अगर उसको डिफीट करना है, देन वी हैव टू मेक द प्लान, और उस प्लान के तहत वह वो काम करता है, और वह जो है ओथेलो को तोड़ देता है, ओथेलो को वह तोड़ देता है। यू विल कम टू नो, और आपको कुछ नहीं करना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक मूवी आई हुई थी ओमकारा, जहां तक मुझे याद है, हम सारे लोगों ने नाम सुना होगा, ओमकारा मूवी अगर आप देखेंगे तो यू विल कम नो इसका रोल क्या रहा। इंडियन मूवी जो इसी पर बनी हुई थी, जैसे हैदर बनी थी किस पर? हैमलेट पर। सो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू, यू शुड ट्राई टू नो द ब्यूटी, यू शुड ट्राई टू नो द क्रिटिकल आस्पेक्ट, यू शुड ओनली नॉट टू नो कि ये हीरो है, ये कैरेक्टर है, उसका इससे रिलेशन है। नो, जो जो पूरे प्ले की जान है वह क्या है? कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी में कैसे बाप को बेटी के खिलाफ एक आदमी खड़ा कर रहा है, आप कह सकते हैं कि बाप इतना मूर्ख है या बेटी इतनी मूर्ख है कि वह उस कॉन्स्पिरेटर को जान नहीं पाती। ऐसे भी हिडन एनिमी होते हैं। कैसे वह कैसियो का इस्तेमाल करता है, कैसे वह पूरा का पूरा सिचुएशन क्रिएट करता है, और फिर कैसियो और कैसियो का इस्तेमाल करता है इसके खिलाफ जाने के लिए आपका ओथेलो को, और फिर ओथेलो के दिमाग में पॉइजन डालता है कि आपकी वाइफ जो है कैरेक्टर लेस है और उसका रिलेशन कैसियो से, पूरा सिचुएशन क्रिएट कर देता है हैंकरचीफ जो सीन है उसका, या हैंकरचीफ का यूज करके। सो यू हैव टू सी दिस पार्टिकुलर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जब आप देखते हैं तो कैसे वो उसका मर्डर कर देता है आवेग में आकर के, तो आप आवेग में आकर के, तो आप ये भी पार्टिकुलर चीज देखेंगे कि जेलस नेचर, एंगर, और अगर कोई आदमी बहादुर है शरीर से, अगर उसके अंदर गुस्सा है तो वह दिमाग से पैदा नहीं हो सकता, यह भी एक बहुत बड़ी पॉइंट। अगर अगर जो है वो बहादुर है, क्या नाम है आपका, ओथेलो, और ब्रेवरी उस पे है, तो वो जो है दिमाग उसके पास उतना नहीं रहा। तो ईश्वर हर आदमी को हर चीज नहीं देता, इयागो को दिमाग दिया तो उसको बहादुर दिया, और यह इंडिकेट करता है
कि जो बैटिल होता है, बैटिल हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती, इसीलिए बैटिल के साथ युद्ध कहा गया कि लव और बैटिल में सब कुछ जायज है, वहां पे शाम दाम दंड भेद। तो ये सब जो चीजें यूज की गई है किसके द्वारा यूज की गई है, ओथेलो के द्वारा, सॉरी इयागो के द्वारा यूज की जाती है ओथेलो को डिफीट करने के लिए। और जब वह उसको मार देता, तब बाद में जब पता चलता तो सारी चीजें हाथ से निकल। एक पार्टिकुलर चीज हमें ये ध्यान रखना है, जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, जो डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हस्बैंड बीबी के खिलाफ जा रहा है, बेटी बाप के खिलाफ, बाप बेटी के खिलाफ, तो ये कुछ ना कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। और उस डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप ये देखेंगे कि इयागो के बारे में जब लोगों को पता चलता है, और जब उसकी वाइफ जो है एमिलिया एक कहती है कि मैं सारे राज खोल दूंगी, तो वह अपनी वाइफ कभी नहीं होता, वह उसका भी कत्ल करके भागता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो अपनी वाइफ का कत्ल करके भाग जाता है, तो उसके दिमाग में दूसरों के प्रति क्या नजरिया रहा होगा। वह तो ये चाहता होगा कि ये सब के सब जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए, निस्तना नाबूद हो जाए। तो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा विलेन यू कांट सी एनीवेयर, जो सब पे भारी पड़ता हो, लास्ट में अपनी वाइफ को अपनी बचाए, अपने आप को बचाने के लिए उसका भी कत्ल कर देता हो। एक और चीज जो है, जो प्ले को लेकर के बात की गई कि ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ ईगो, कहीं ना कहीं ओथेलो में ट्रेजिडी ऑफ ईगो का भी कॉन्सेप्ट आ पाए। ईगो का यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे है, ईगो में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यह कॉम्प्लेक्स ही अंदर अंदर परेशान करता है। क्यों? ईगो इस चीज का है कि एक मूर, एक ब्लैक इतने बड़े पद पे कैसे हो सकता है। यह ईगो किसमें है? यह ईगो जो है इयागो में, और इयागो उसी ईगो को जलने देता है। जितना उसमें जलता है, उतना उसके अंदर बदले की भावना उत्पन्न होती है। तो ओथेलो को अगर हमें एक नजरिए से देखना है, तो एक नजरिया तो क्या हो सकता है कि डोमेस्टिक ट्रेजिडी का, कैसे बाप बेटी उसका मैंने बताया, दूसरा एक पॉइंट ईगो भी वहां पर, और एक पॉइंट मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उसको डिस्कस किया है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक और चीज मैंने आपको बताया था, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, सेक्सुअल जेलसी। जेलसी तो है, लेकिन वह सेक्सुअल जेलसी, वह सेक्सुअल जेलसी क्या है कि डेस्टिमोना मेरी नहीं हो पाई, वह एक ब्लैक की हो पाई। तो मैंने बताया ना कि जो एक प्ले है, जब आप उसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, तो कई नजरिए से, कई पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। सेक्सुअल जेलसी, ईगो, साइकोलॉजिकल इशू, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज पार्टिकुलर कैरेक्टर। जब भी आप इन पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को स्टडी करिए, उनको आप अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ये सारे सारे चीजें इस तरह से इंपॉर्टेंट रही है, इनका ये वैल्यू रहा है, या इस तरह से हम चाह। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसी ट्रेजिडी है जिसे हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द सैडेस्ट ट्रेजिडीज, वन ऑफ द सैडेस्ट ट्रेजिडी, इतना दुखद अंत डेस्टिमोना का। अगर 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 देखा जाए कि जैसे ओफिलिया को कुछ नसीब नहीं हुआ, ओफिलिया जो है हैमलेट के लिए सब कुछ त्याग देती है, ओफिलिया तो सुसाइड करती है, लेकिन वह जो है डेस्टिमोना, जो अपने बाप को छोड़ करके, अपनी बाप के डिसीजन के खिलाफ छोड़ करके जिसका हाथ थामती है, ओथेलो का हाथ, वही ओथेलो उसका कत्ल कर देता है, केवल इस डाउट में कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है। तो उसको मिला क्या? बार बार एक क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह की चीजें होती है कि उसको क्या मिला। तो जो एक मेल मेंटेलिटी है, जो जेंडर स्टडीज है, वह कहता है कि पैट्रियार्की हमेशा अपने दिमाग से सोचती, पैट्रियार्की कभी भी औरत के दिमाग से औरत को नहीं सोचेगी। पैट्रियार्की या मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, जो पुरुष समाज है, पुरुष समाज औरत को अपने दिमाग से सोचेगा, अपने हिसाब से उसकी इमेज तैयार करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि उसकी भी कुछ इमोशंस है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स है, उसके भी कुछ जज्बात हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोचने की कोशिश करें। तो वो क्या करता है कि क्योंकि जो पुरुष होता है वह डोमिनेटिंग होता है, वह हर चीज पर रूल करना चाहता है और उसको दबा करके रखना चाहता है।
ये चीज आप कहाँ पर देखेंगे, ये चीज आप माई लास्ट डचेस में देखेंगे। अगर आप रॉबर्ट ब्राउनी का माई लास्ट डचेस पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो कि माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक है वह क्या करता है। ड्यूक कमांड्स एंड व्हाट एंड सीज कि जो उसकी वाइफ है उसका कत्ल करा देता है। तो जब अपनी वाइफ को कत्ल करा देता है, वहां पर भी कैरेक्टर ही एक प्रॉब्लम, कैरेक्टर ही एक प्रॉब्लम थी। ऐसे भी तमाम धार्मिक ग्रंथ है जहां पर जो है कहीं ना कहीं कैरेक्टर को लेकर के नारी को प्रूव करना पड़ेगा हाँ उनका चरित्र सही है। लेकिन कोई लिटरेचर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड के जहां पर किसी पुरुष के चरित्र को लेकर के कोई क्वेश्चन किया गया हो कि आप प्योर है या नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर एक जोसेफ एंड्रयूज आया हुआ था मार्केट, जोसेफ एंड्रयूज आया था, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज में ये नहीं कहा गया था यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव। जोसेफ एंड्रयूज जो है पामेला का पैरोडी है, पामेला आया, पामेला के बाद जोसेफ एंड्रयूज आया। लेकिन जो बड़े बड़े लिटरेचर है, जो क्लासिक लिटरेचर है, उसमें हमेशा जो है आप देखेंगे कि उनको प्रूव करना पड़ा है। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो ड्रामा है वहाँ एक आस्पेक्ट दिखाया जाता है, वह कौन सा आस्पेक्ट दिखाया जाता है। हम कह सकते हैं पैट्रियार्की, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। आपको ओथेलो को इसलिए नहीं लेना है कि ओथेलो बहुत बहादुर है, वह बड़ी पोस्ट पर है। अगर वो बहादुर है, बड़ी पोस्ट पर है, तो किसी का पति भी तो है ना। आप उसको पति के भी नजरिए से देखिए, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ हस्बैंड, उसका 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 रिस्पॉन्ड वाइफ के प्रति क्या है, उसने कौन सी ड्यूटीज जो है वहां पे क्या 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 किया, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को सोचना चाहिए, जो मैं अपने डिस्कशन में शामिल करता हूँ। क्योंकि जेंडर की बात जहां पर भी आएगी वो आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है या सोचने का अपना एक नजरिया है। एक और चीज जो है जो थोड़ा सा मैं आपसे वो करूंगा कि क्या क्या ब्रेवरी को ज्यादा महत्व डेस्टिमोना ने दिया। डेस्टिमोना ने आखिर क्या देख करके शादी की, क्या देख करके शादी की, व्हाई डिड ही मैरी, एक क्वेश्चन, व्हाई डिड शी मैरी, व्हाई डिड शी मैरी ओथेलो। ओथेलो में क्या था, क्या उसकी ब्रेवरी को जबकि वह ब्लैक था, या उसके नेचर को। अगर उसका नेचर अच्छा था तब तो जो है क्या करना चाहिए था कि उसको सारी चीजें पता होना चाहिए था कि मेरा हस्बैंड कैसा है या क्या है, कैसे नहीं है। और ये भी वो भी लव मैरिज। तो एक पॉइंट तो मुझे ये भी कभी कभार लगता है कि शायद शेक्सपियर ये दिखाना चाहते हैं कि लव तो हुआ लेकिन यह सफल नहीं हुआ, चाहे वह ओफेलिया का को लेकर के हो, चाहे डेस्टिमोना का, या वो भी शायद ये दिखाना चाह रहे होंगे कि जब अलग अलग समुदाय में मैरिजें हुई है लव को लेकर के, तो वह सक्सेसफुल नहीं रही है। जो मेंटेलिटी आज भी चली आ रही है कि वह एक अलग नस्ल का, वह एक अलग नस्ल की। ओफिलिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ओफिलिया का उस क्लास से नहीं मिला करती, वह कोई राजकुमारी नहीं थी, और हैमलेट क्या थे, राजकुमार थे। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि इनडायरेक्टली शेक्सपियर वांट्स टू टेल की, ये भी एक चीज रहा है। और अगर अगर जो है उसने शादी किया डेस्टिमोना ने, तो केवल इसलिए शादी किया कि मध्य युग में ब्रेवरी जो है एक बहुत बड़ी चीज थी। मध्य युग में चाहे आप कोई भी प्ले उठा के देखेंगे, कोई भी कहानी देखेंगे, उसमें जो है ब्रेवरी, पुरुष की पुरुषत्व को लेकर के, पुरुष की ब्रेवरी को ही लेकर के वो चीज क्या होता था, वो चीज जो है सामने आता था। ज्यादातर उसी चीज को लेकर के मैरिज, उसमें जो है चाहे वो स्वयंवर में रहा हो, चाहे वो और कहीं पर रहा हो, यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था। आज की सोसाइटी में आप इस पर नहीं, आज की सोसाइटी में तो ठीक है, ये है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर आइडेंटिटी, इट डजंट मीन कि हाउ मच स्वर्ड यू हैव एंड हाउ मच अदर थिंग्स यू हैव, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आर यू इन जॉब और नॉट, व्हाट्स योर डेजिग्नेशन, और सबसे पहले कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके अम्मा अब्बा ने क्या बना के गए हैं। तो वक्त के साथ वो चीजें बदली और आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजें पहले के जमाने में ब्रेवरी रहा होगा, लेकिन आज के जमाने में ये चीज थोड़ा सा बदली हुई है वक्त के साथ। तो एक पॉइंट ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस सोसाइटी को शायद यह दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं जानता हूं कि ये मैंने आपको बताया कि कैसे शी डिफाइज, शी वायलेट्स हर फादर, और उसके बाद उनको वो करती है, या ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, और कैसे जो है कैसियो का इस्तेमाल जो है गलत इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता है। तो
ऑल दीज थिंग्स बी फाइन। और एक चीज और बता दें कि ओथेलो से जेलस करने वालों में केवल इयागो ही नहीं, इयागो के साथ साथ रॉड्रिगो भी थे। इयागो के साथ साथ रॉड्रिगो, मैंने आपको बताया था कि जो रॉड्रिगो थे वह काफी अनुभवी जेंटलमैन, तो इयागो के साथ जो है एक और आदमी थे जिनका नाम रॉड्रिगो था, और रॉड्रिगो ही चाहता था डेस्टिमोना से मैरिज करना। जब डेस्टिमोना उसको नसीब नहीं होती है या उसके लाइफ का हिस्सा नहीं बनती है तो वो किसके खिलाफ हो जाता है? ओथेलो के खिलाफ हो जाता है। इसका मतलब कि ओथेलो की खिलाफ होने वालों में डेस्टिमोना के फादर जिनका नाम ब्राबेंसियो है, डेस्टिमोना का लवर एक्स लवर या जो उसको चाहता था जिसका नाम क्या है रॉड्रिगो है, और खुद ओथेलो। और ओथेलो ने क्या किया, इन दोनों का मिस यूज किया और कैसे कैसे उनके खिलाफ खड़ा किया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद एक और चीज है कि अगर आप ये कहेंगे कि मेरी नजर में इयागो क्या है, तो इयागो इज एंटागोनिस्ट। मैंने एक आपको जब ड्रामा पढ़ाना शुरू किया था, आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। और मैं जानना चाहूंगा कि सुरभि जी से मैं जानना चाहूंगा कि बिटिया एंटागोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट कौन होता है, हु इज एंटागोनिस्ट? या हु हैज विलनेस नेचर, या यू कैन से कि एंटागोनिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते, उसमें केवल और केवल जो क्रुवेल्टी ही भरी होगी। वह क्रुवेल्टी केवल ऐसा नहीं कि ही इज यूजिंग स्वर्ड टू कट द थ्रोट ऑफ समवन, नो नॉट एट ऑल। क्रुवेल्टी इन द सेंस कि ऑलवेज ही वांट्स टू किल समवन, ऑलवेज ही वांट्स टू डिफीट समवन, ऑलवेज ही वांट्स टू क्रश समवन, ही वांट्स टू ऑप्रेस समवन, नो यू कैन से मर्सी, नो पिटी, नो सिंपैथी, नो एम्पैथी, नो गुडनेस, नो वर्च्यू, ऑलवेज निगेटिव सोचना, दूसरे की बर्बादी के दूसरे को बर्बाद करने के लिए तैयार रहना और दूसरे की बर्बादी पर खुशियां मनाना, इस तरह की सिचुएशन हम इयागो में देखते हैं। तो इयागो जो एग्जाम्पल है वह एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल है, हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि ये सारी चीजें हम पाते हैं, और यू विल कम टू नो कि जब ये पूरा षड्यंत्र होता है और उस षड्यंत्र में आप ये देखेंगे कि यागो कैसे जो है पहले ये बात बताता है कि डेस्टिमोना इज इन लव विद कैसियो या कैसियो इज इन लव विद डेस्टिमोना, दे हैव द फिजिकल रिलेशनशिप। तो वह क्या करता है कि वह अपनी वाइफ को तो मारता ही है ओथेलो, और साथ ही साथ कैसियो से भी बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन कैसियो जो है क्या करता है कि ये चीज पता चल जाता है कि एनी हाउ ही सेव्स हिमसेल्फ, और सारी बातें बताता है कि नो नॉट एट ऑल ऐसा नहीं रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाउ डू यू टेक डेस्टिमोना, वॉज शी इनोसेंट, वॉज शी द विक्टिम ऑफ बैड लक, या वॉज शी द विक्टिम ऑफ अ मैन हु इज ब्रेव। बट आप कह सकते हैं कि नो कि उसमें कोई आप अच्छे एक जो कहा जाता है साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, कि एक आदमी तभी परफेक्ट होगा जब उसमें साउंड बॉडी भी और साउंड माइंड भी। लेकिन जो आपका कैरेक्टर है दिस पार्टिकुलर ओथेलो, ही हैज साउंड बॉडी बट नॉट साउंड माइंड। तो दिस पार्टिकुलर कैरेक्टर डेस्टिमोना हु इज द वाइफ ऑफ ओथेलो अल्टीमेटली इज द विक्टिम ऑफ व्हाट, साउंड बॉडी नॉट साउंड माइंड, बिकॉज दैट कैरेक्टर हैज नॉट अ साउंड माइंड। अगर साउंड माइंड होता तो वह और ब्रॉड वे में सोचता, यह वक्त की जरूरत है कि जो उसमें। तो अगर अगर देखा जाएगा तो वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक कैरेक्टर एंड इनोसेंट कैरेक्टर जिसने कोई गलत काम नहीं किया, बट शी वॉज किल्ड बाय हुम, शी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड। यह एक बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दुख वाली एक चीज रही जो उसके साथ हुआ। एक और चीजें जो है जो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा ही कुछ एमिलिया के साथ भी देखने को मिलता है, एमिलिया का जब कत्ल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्या क्या ड्रामा में है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा मैं चल करके कि फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में हुआ, फिर उसके बाद अगले सीन में हुआ, फिर अगले सीन में हुआ, ऐसा करते करते जो है पूरा का पूरा ड्रामा
जमाना बीत जाएगा, हम प्ले को खत्म नहीं कर पाएंगे जितना हमें डिस्कस करना है। बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, ये भी मैंने बताया है, जो मैं अभी बता रहा हूँ पूरी कहानी मैंने बताई है, उससे रिलेटेड ओथेलो का मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पर, जिसमें मैं पूरी कहानी एक सिचुएशन क्रिएट करके, इस क्लास में मैं इंफॉर्मेटिव ज्यादा हूँ, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर आप देखेंगे कि क्रिटिक्स कुछ है जिन्होंने ये चीज कहा है, इसमें खासकर कॉलरिज का एक स्टेटमेंट है कि ओथेलो इज द ट्रेजिडी ऑफ हैंकर चीफ, जो ओथेलो है या हैंकर चीफ का ट्रेजिडी है, क्योंकि जो हैंकर चीफ का सीन है यही एक ऐसा सीन है जो पूरा पासा पलट देता है और सारी चीजें किसके फेवर में आ जाती हैं, इयागो के फेवर में। इयागो अपनी उसी चाल में कैसियो को डिफीट कर देता है, कैसियो को डिफीट करने के साथ साथ वह जो है डेस्टिमोना का कत्ल करा देता है, और उसके बाद जो है ओथेलो को कैसियो के खिलाफ खड़ा कर देता है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि आखिर इयागो कैसियो से नफरत क्यों करता है। इयागो कैसियो से नफरत इसलिए करता है कि ओथेलो ने कैसियो को वह पोस्ट दे दी है जो कौन चाहता था, जो इयागो चाहता। ओथेलो ने कैसियो को वह पोस्ट दे दी है जो इयागो चाहता, और वो चीज क्या हुआ, यागो को नहीं मिली। तो अब उसकी नजर में इक्वल एनिमी है कौन, इक्वल एनिमी है यागो। यागो की नजर में जितना एनिमी मेरा ओथेलो है, उतना ही एनिमी मेरा कौन है, कैसियो। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि मैंने बताया बार बार कि हैंकर चीफ जो है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कैसे है, क्या रोल है, क्या चीजें है, यू हैव टू वॉच दैट मूवी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल एक्शन व्हाइल हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल इन एक्शन। ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल एक्शन, यू विल कम टू नो कि दो शब्द है जो आपको ध्यान में रखना। जब आप कहते हैं कि ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल एक्शन, कि ओथेलो एक ऐसी ट्रेजिडी है जो नोबल एक्शन है, जिसमें श्रेष्ठ काम है, नोबल एक्शन। अब आप ये कह सकते हैं कि नोबल एक्शन कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक्शन हमें पता है कि एक्शन ट्रेजिक होगा, एक्शन कॉमिक होगा, एक्शन का मतलब परफॉर्मेंस, लेकिन ना तो यहाँ ट्रेजिक वर्ड आया ना यहाँ कॉमिक वर्ड आया, यहाँ पे जो वर्ड आया वह क्या है, नोबल एक्शन। नोबल एक्शन मतलब जो श्रेष्ठ काम है। तो अगर ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल एक्शन, इट मीन्स दैट कि यू विल कम टू नो जितनी भी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है वह चीज क्या है कि एक मूर्ख को एक बड़े पोस्ट पर ले जाया जाता है, और एक जो कलर फीलिंग है उसको जो समाज में है उस पार्टिकुलर चीज को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि कलर फीलिंग में ये नहीं रहेगा कि वह उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता, वह उसके साथ, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये सब जो भी डिसीजन लिए गए हैं यह सारे के सारे क्या है, एक तरह से नोबल एक्शन रहा है। एक मूर को जो है वेनिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना, उसको इस पोस्ट पर लाना, यह अपने में एक बहुत बड़ी चीज है जो उस समय शायद नहीं हो सकता था। जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम देखते हैं कि ज्यू और कैसे जो है क्रिश्चियन के बीच में जो है कम्युनल हेटरेड फीलिंग्स है जो वहां पे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे चीज रेसियल इशू को खत्म करने की कोशिश की गई है। अब दूसरा डिस्कशन है कि हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल इन एक्शन। हैमलेट जो ट्रेजिडी है वह नोबल इन एक्शन कैसे है, नोबल इन एक्शन इन द सेंस की जो हैमलेट है वहां पे तो एक्शन बहुत सारे श्रेष्ठ है, वहां पे एक्शन बहुत सारे श्रेष्ठ है, लेकिन मतलब जितना भी चीजें वहां पे रही, जो वहां की सोच रही है, जिस तरह से हैमलेट का अपना डिसीजन होता है, जिस तरह से वह स्टडी कर रहे हैं, जितनी भी चीजें रही है वहां पे, तो सारा एक्शन में वहां पे वहां के एक्शन में ही नॉवेल्टी है, नोबल है ये, नोबल इन एक्शन, ना कि नोबल एक्शन, नोबल इन एक्शन, एक्शन में वहां पे नॉवेल्टी है, दैट इज द पॉइंट। तो अगर हैमलेट जो है इस पार्टिकुलर चीज को करते हैं, जो वहां पे चाहे वो फिलिया के साथ लव हो, चाहे वहां पे रिवेंज का कॉन्सेप्ट रहा हो, या अपनी माँ को स्कोल्ड करना हुआ हो, या जितना भी चीजें वहां पे रही हैं, वो सबके सब नोबल इन एक्शन था, इसमें कोई दो राय। सो दिस पार्टिकुलर थिंग की ओथेलो इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल एक्शन व्हाइल हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ नोबल इन एक्शन, दिस इज अ स्टेटमेंट सेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और हैंकर चीफ का जो पॉइंट है वह किसके द्वारा कहा गया, कॉलेज के द्वारा कहा। इतना सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है
जो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बात है और ये बात जो है प्ले में रही है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उन लाइन्स में जो है देर आर सम इम्पोर्टेंट लाइन्स जो मैं करूंगा, उसमें से एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मेल मेंटेलिटी को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग या बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है। इसको लेकर के मेल मेंटेलिटी को लेकर कि मेल मेंटेलिटी में एक पॉइंट आता है, इसमें आप देखेंगे कि डेस्टिमोना कहती है, एक डायलॉग है जो डेस्टिमोना कहती है, मेन आर नॉट गॉड्स एंड वी मस्ट नॉट लुक फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम, कि जो मेन है वो कोई गॉड नहीं है, कि जैसे इंडियन ट्रेडिशन में पति परमेश्वर, इफ द पति शराबी या इस तरह से तो देन वाई पति इज परमेश्वर। अब आप ये कहेंगे मैं ऐसी बात, चूंकि मैंने बार बार बताया कि मैं हर स्टेटमेंट को हर चीज को जेंडर के नजरिए से देखूंगा, चाहे वह गढ़ा गया हो चाहे वह कढ़ा गया हो या कहा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि आ, 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 जो जो औरत है शर्म और हया औरत का गहना है। ठीक है, आप बात कह रहे हैं कि शर्म और हया होना चाहिए, तो इसके पैरेलल पुरुष के लिए कहा क्या कहा गया? जेंडर स्टडीज का आदमी होने के नाते मैं तुरंत क्वेश्चन करूंगा, आपने औरत के लिए बात तो कही है लेकिन जो पुरुष के लिए आपने क्या कहा कि वो अपनी आंखें खोलकर मार्केट में टहलता रहे, उसके लिए भी बात आनी चाहिए। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में है वह ये कहा गया कि जैसे हमारे ही माशरे में कि जो औरत है वो घर की जीनत है। ठीक है, औरत घर में रहे पर्दे में रहे ऑल दीस थिंग्स वी फाइन, तो अगर औरत घर की जीनत है तो क्या मर्द जो है मार्केट की जीनत होगा? नो, नॉट एट ऑल। ये जो चीज कहा जाता है कढ़ा जाता है अपने अकॉर्डिंग कहा जाता है, जितना चीजें जो है जैसे पुरुषों के लिए कहा गया कि उन्हें अपनी सबके लिए कहा गया कि अपनी नजर नीचे रख करके चले, नजर झुका करके चले, तो आ रहे हैं। सो यू विल कम टू नो, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हम इस आस्पेक्ट को देखते हैं कि हमें इस नजरिए से जो डायलॉग है उस पर क्वेश्चन करना चाहिए, उस पर वो करना, ऐसा नहीं कि एकदम खूब मंडू आंखें बंद करके या वो कोई भी काम समाज में करता रहे और ओथेलो की तरह हम चुपचाप से करते हैं। नो, वी हैव टू ओपन आर आई, वॉच इच एंड एवरीथिंग, ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ द ह्यूमैनिटीज, वी आर द क्रिटिक, और जिम्मेदारियां मुझे लगता है हमारे ऊपर ज्यादा। तो उसमें वही कहती है, मेन आर नॉट गॉड्स एंड वी मस्ट नॉट लुक फॉर द ऑब्जर्वेशन फॉर देम, कह रहे कि वे गॉड नहीं है और हमें नहीं चाहिए कि वे अभी हम ये देखें कि वे हमारा ऑब्जर्वेशन करें या हमारे चरित्र को देखें या वो हमें सर्टिफिकेट दें कि हमारा चरित्र कैसे आगे। फिर उसके बाद वो कहती है, वेन दे आर मैरिड विच दे शो अस ऑन द ब्राइडल डे, कह रहे कि सबसे बड़ा चीज है कि ब्राइडल डे पर जो होगा, जो उनका कथन होगा जिस दिन उनकी शादी होती है मेन की, और ब्राइडल डे पर फर्स्ट डे वो उनका कैरेक्टर उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही शादी का समय गुजरता जाएगा उनका रूप रंग डायलॉग उनकी सारी चीजें उनका सारा वादा सब कुछ वक्त के साथ धूमिलता जाएगा, बदलता जाएगा और जो है फिर उनका नया रूप आएगा। तमाम चीजें जैसे ये बताया गया, तमाम चुटकुले बनाए गए, तमाम चुटकुले क्या बनाए गए, तमाम चुटकुले ये बनाए गए कि औरत शुरू में जो है क्या नाम है कि आपका कह सकते हैं कि चंद्रमुखी होती है, फिर उसके बाद शादी के बाद वो सूर्यमुखी होती है, फिर लास्ट में वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो अगर ये सारी चीजें तीन तीन एडजेक्टिव औरत के लिए गढ़ा गया तो ये बात पुरुष के लिए क्यों नहीं कहा गया? क्या पुरुष हमेशा जो है बिल्कुल गुलाब जैसा रहता है, हमेशा जी हाँ जी हाँ जी हाँ करता है? नो, नॉट है। उसका भी नेचर चेंज होता है, वो भी जो एंग्री होता है, लेकिन पुरुष क्या करता है, कोटेशन अपने हिसाब से करता है, कोटेशन अपने हिसाब से करता है किसी भी चीज को, इमेज को लाने के लिए। आप कह रहे होंगे मैं कहाँ पे चला जा रहा हूँ, बताते हैं। दूसरा एक चीज है जो हमें मैं बात करना चाहता हूँ कि इयाहू कहता है कि द मून इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, इयाहू कहते हैं कि द मून इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, मून को लेकर के कि उन्होंने उसके कैरेक्टर को जो है बताया। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इन द ग्रीन आईज, ओ बिवेयर माई लॉर्ड, हमेशा सावधान रहिए क्योंकि जो जेलसी होती है वह जो है क्या होता है, आई को ग्रीन करता है, मतलब जब अगर आपकी आंखों में जेलस होगा तो सच्चाई आपके सामने नहीं आ पाएगी।
इसलिए जो है आप सावधान रहिए या चीजों को समझने की कोशिश करिए। इन दिस वे यू विल कम टू नो देयर आर सो ब्यूटीफुल डायलॉग, सो सिंपल, आई डोंट थिंक इट देयर इज इट्स नीड टू एक्सप्लेन एट ऑल। यू विल कम टू नो कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत डायलॉग इसमें है। गो विद द बुक, सी द मूवी। नाउ आई एम कंक्लूडिंग, आई विल नॉट टेक एनी पॉइंट आर एनी थिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज डिस्कस करना है, बट ऑलवेज आई से कि प्लीज अटेंड लाइव क्लास, उसका जो मजा है वो आपको और जगह पे।